अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। उसके ऊपर हम लेक्चर तैयार किया है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोर्ट्स और मूवमेंट क्या चीज़ होती है। जैसे आपको सामने नजर भी आ रहा है कि मूवमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है आपको। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजिशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं? अपनी पूरी बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसमें क्या है, हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके बाजू की मूवमेंट हो सकती है, आपके लेग्स की मूवमेंट हो सकती है, आपके ब्रेन मूवमेंट, आप साइड चेंज कर सकते हो, लेकिन बॉडी की पूरी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद मूवमेंट की टाइप्स हैं। मूवमेंट की टू टाइप्स हैं। एक है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, सेकेंड इज दैट लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अभी मैंने आपको बताया है, और लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी इस लोकोमोशन में हम क्या कर, लोकोमोशन भी मूवमेंट की टाइप के है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम बॉडी के पार्ट्स में पूरी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं। यानी कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक जगह से उठकर जब दूसरी जगह पर आप जाकर बैठते हैं, आपकी बॉडी की होल पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे बस स्पोर्ट क्या, अभी आपने सिर्फ मूवमेंट का सुना है, स्पोर्ट क्या चीज है? स्पोर्ट जैसे आपकी बॉडी का एक पूरा स्केलेटन है, तो स्केलेटन क्या करता है, आपकी बॉडी को फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटन में क्या है? फ्रेमवर्क है, हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। स्केलेटन क्या करता है? एक तो आपकी बॉडी को फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे आपके मसल्स की अटैचमेंट, यानी कि आपके आर्म मसल्स हैं आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद आपके हैंड मसल्स हैं, वो भी आपकी स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और आपकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्केलेटन। स्केलेटन की टू टाइप्स हैं, एक है एक्सोस्केलेटन, दूसरा है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, आपकी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम, आपके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है एक्सोस्केलेटन के अंदर नहीं आती, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड एक एग्जांपल है हमारे पास एक्सोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि आपकी बैकबोन है, और आपकी बॉडी को पूरी बॉडी में उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स खुद भी। बाद है हमारा रोल ऑफ स्केलेटन। रोल ऑफ स्केलेटन में है, द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट्स एंड मूवमेंट। जो स्केलेटन सिस्टम का रोल है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, सपोर्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इन आवर बॉडी स्केलेटन वर्क वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मेनी इंटरनल ऑर्गन्स। स्केलेटन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका रिबकेज है, रिबकेज के इंटरनली क्या होता है, लंग्स हैं, हार्ट है, वो क्या करता है, आपके इंटरनली तौर पर आपके जो रिब्स हैं हार्ट को लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मीन्स कि आपकी जो बैकबोन है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके ऊपर रोल ऑफ स्केलेटन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम। और क्वेश्चन जिस तरह से भी आपको आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम इन स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन, बोन का आप बता सकते हैं, बोन का एक हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर यानी कि आपकी स्कल बोन है, जो स्कल बोन क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे आपकी रिब्स हैं वो क्या कर रही होती हैं, आपके इंटरनली लंग्स को और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसलिए ये हार्ड बोन क्या करती हैं, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या होती है, एक सॉफ्ट बोन होती है। इन ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप द फ्रेमवर्क, बट सर्टन पार्ट दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाई कार्टिलेज। आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है स्केलेटन का, लेकिन आपकी कुछ बॉडी के पार्ट्स जो क्या है, आपके कार्टिलेज बोन्स के बने होते हैं। कार्टिलेज बोन क्या है, वो सॉफ्ट बोन है। जैसा कि इसकी एग्जाम्पल आपके पास एक ईयर की है, सामने आपको नजर भी आ रहा है, स्कल आपके पास हार्ड स्ट्रक्चर बोन का भी, और कार्टिलेज सॉफ्ट बोन का भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। कार्टिलेज के अंदर सॉफ्ट बोन की एग्जाम्पल वो ईयर की है। इसके बाद जो कार्टिलेज है, जो मेन बात है इसके अंदर कार्टिलेज की हो रही है, कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू। जो कार्टिलेज है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये लाइट होती है कार्टिलेज हार्ड बोन से। इसके अंदर जो मेन आपको क्वेश्चन आ सकता है कार्टिलेज के अंदर, वो है कोंड्रोसाइट्स। क्वेश्चन है कि आप कोंड्रोसाइट्स किसे कहते हैं, कोंड्रोसाइट चीज क्या है। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कोंड्रोसाइट्स। सामने आपको कोंड्रोसाइट्स जो उनसे नजर आ रही है पिक्चर, कार्टिलेज के अंदर कोंड्रोसाइट्स क्या है, कोंड्रोसाइट्स जैसे फ्लूइड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। जो आपको प्लेन मैट्रिक नजर आ रहा है होल्स के अलावा, जो आपको स्पेस नजर आ रही है, स्पेस नजर आ रही होते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स है, और कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर जो आपको होल्स नजर आते हैं वो कोंड्रोसाइट्स एंड ल्यूकोमा है।
यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स जोन से है वो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके ईयर के अंदर एक फ्लूइड होता है, आपका अगर वो फ्लूइड जब आप वो आपके ईयर के अंदर मूव करता है तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। इस तरह से क्या होता है कि आपके ईयर के अंदर जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है कॉन्ड्रोसाइट्स के थ्रू बैलेंस रहता है। उसके बाद है ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन द फ्लूइड स्पेस कॉल्ड ल्यूकोमा प्रेजेंट द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज कंटेन्स आल्सो कोलेजन फाइबर्स। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन फाइबर्स का क्या पर्पज होता है, ये क्या होल्डिंग ऑफ ट्यूब्स ओपनिंग इन द बॉडी। जैसे आपके ईयर के अंदर क्या है, एक बाहर से आपको एक होल नजर आता है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल पर्पज ऑफ होल्डिंग ट्यूब ओपनिंग द बॉडी एग्जाम्पल यानी कि इंक्लूडिंग द रिंग ऑफ ट्रेकिया। आपके जो ईयर के अंदर होल है वो भी एक रिंग की फॉर्म में है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है, रिंग ऑफ ट्रेकिया जो आपके थ्रॉट के अंदर है ब्रीथिंग पाथवे ट्रेकिया।